इसके तो पहले तो ये तो सतयुग की बात है, सतयुग में तो सोने का हुआ है। अच्छा सतयुग, थोड़ा तो हिलाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज मोहन भट्ट और देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादी से एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो, नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ हमारे पिथौरागढ़ के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर में। सिराकोट बोलते हैं मंदिर का नाम, मलयनाथ स्वामी का वो मंदिर है। काफ़ी प्यारी लोकेशन में है और काफ़ी प्यारा मंदिर है। और मेरे साथ है नीरज भट्ट जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और हमने कार की बुकिंग ली है दोस्तों क्योंकि मेरी बाइक थोड़ा बहुत ख़राब हो गई थी, नहीं तो हम बाइक से जाने वाले थे। तो फटाफट से चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला आज की वीडियो में। लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूँ सिराकोट मंदिर, और यहाँ पे है एक प्यारा सा मंदिर। फर्स्ट में शिव जी की मूर्ति है और जय हो। और यहाँ की एक अलग स्टोरी है कि इस मंदिर की सीढ़ियाँ आज तक कोई करेक्ट गिन नहीं पाया कितनी सीढ़ियाँ हैं करके, और हम गिनना भी नहीं चाहते आज। और ये है पहाड़ों के ऊपर बसा प्यारा सा शहर डीडीहाट। और फटाफट से चलते हैं मंदिर की तरफ को, मंदिर काफ़ी ज़्यादा हाइट में है ऊपर और वहाँ से क्या ही प्यारे व्यूज़ आते हैं नीचे के। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर को दोस्तों। और दोस्तों इस मंदिर की एक ख़ास बात यहाँ यह है कि यहाँ पे मनोकामना के धागे बांधे जाते हैं बहुत सारे, और आपको दिखाता हूँ ये सारे मनोकामनाओं के धागे हैं जो लोगों ने बांध रखे हैं। और यहाँ पे एक छोटे छोटे मंदिर हर 50 मीटर 100 मीटर में, और हमको सीढ़ियाँ गिनने की ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि सीढ़ी पर किसी ने नंबर लिख दिया यार, बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ ना तो अभी पता चल जाएगा। और व्यू देखो गाइस, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है, और सांस बहुत फूल रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ हैं एकदम खड़ी। तो भाई साहब लगभग 400 से ज़्यादा सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है यार। चढ़ाई देखो ज़रा पीछे कैसी एकदम खड़ी चढ़ाई, और आगे भी एकदम खड़ी चढ़ाई है, और ऊपर जाके जो व्यू मिलने वाला है ना भाई, अल्टीमेट। अरे वाह, तो दोस्तों क्या ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे मंदिर का थोड़ा सा इतिहास लिखा है, थोड़ा इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। यह मंदिर चंद राजा ने 14वीं सदी में बाद बहादुर चंद ने राजकोट में स्थापित किया। उसी समय मलयनाथ प्रकट हुए और उस समय यहाँ की जनसंख्या ना के बराबर थी। चंद राजा ने यहाँ की जनता को बसाया और मंदिर के लिए पुजारी पानू जी को नियुक्त किया गया, और मंदिर की देखरेख के लिए गणपति रसीला लोगों ने नियुक्त किया गया। इस मंदिर को मंदिर के सिख लेख इलाके के लोग चढ़ाते हैं। यहाँ हर साल असौज में नवरात्रि चतुर्दशी का मेला लगता है, और इस मंदिर में पुजारी जी हर रोज़ भोग लगाते हैं। यह मंदिर डीडीहाट की एक पहाड़ी पर स्थित है और इसकी दूसरी डीडीहाट से इसकी दूरी डीडीहाट से 8 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर 8 है, 3 है, 3 है, 3 किलोमीटर है। कुछ इस तरह से इसकी जानकारी है थोड़ा बहुत सिराकोट मंदिर, और दिखाते हैं आपको मंदिर भी कैसा है। और मंदिर अभी थोड़ा सा ऊपर है और वहाँ से तो कई मस्त लगता है, सब दर्शन वर्शन कराते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हिमालय शिखर दिख रहे हैं यहाँ से। यह है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, और यहाँ है पंचाचुली। पंचाचुली की अलग स्टोरी है यहाँ पे। जब 5 पांडव स्वर्ग को गए थे तो इन्होंने 5 चूल्हे लगाए थे, तो
इधर ही लगाए थे, तो इसी का मतलब पंचा चूली इसलिए कहते हैं इसको। और देखिए गाइस क्या ही प्यारा नज़ारा है इधर से, मतलब दिल खुश हो गया यार इधर आके ना आज। और कुछ प्यारा सा मंदिर देखिए, मंदिर भी काफ़ी प्यारा है। और ऐसा लग रहा है बादल बहुत ही नज़दीक है, यहीं पे बादलों के करीब आ गए हैं। और ये है डीडी हाट। डीडी हाट काफ़ी छोटा सा और प्यारा शहर है, देखो ना सारे पहाड़ नीचे हैं और डीडी हाट पहाड़ों के ऊपर है। क्या मस्त जगह। तो दोस्तों चलते हैं इधर से अभी, मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था यार, गाड़ी वाला रुका है एक दो घंटे से, लेकिन भाई साहब यहाँ पे इतना मस्त लग रहा है क्या ही बता दूँ यार, एक नंबर मज़ा आ गया। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो तीन घंटे और रुको, अपनी अपनी बाइक लेके आता तो पक्का मैं दो तीन घंटे रुकता इधर। और अभी निकलते हैं इधर से फटाफट नीचे को, फिर मेरे को जाना है डीडी हाट। डीडी हाट से थोड़ा बहुत वहाँ की एक मिठाई है, वो मिठाई लेके निकलता हूँ घर को, स्पेशल मिठाई मिलती है उधर। तो कुछ नज़ारे और देख लो, ये देखो दोस्तों कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे एक पत्थर है, उसकी मान्यता है कि जो सच्चे मन से आता है वही उस पत्थर को उठा सकते हैं, देखते नहीं। चलो मैं तो ट्राई करता हूँ फिर, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ ये पत्थर को उठाने का, और नीरज भाई वीडियो बनाएंगे। चलो आ जा आ जा फटाफट। बहुत भारी है भाई, तो थोड़ा तो हिलाया। उठा दिया थोड़ा सा उठाया। जय मलेनाथ देवता। बैलेंस नंबर मारे ने। आजा आजा। तो मैं ट्राई करो ना। मैं पूछना। मैं नहीं उठाऊंगा यार, मेरे ओ हाथ में नोज। तो दोस्तों ये पत्थर आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा है ये। और इस पत्थर की मान्यता क्या है पता है, एक साधु, ऐसे पत्थर बेसिकली पहाड़ के ऊपर नहीं मिलते हैं, नदी में ही मिलते हैं। और एक साधु महाराज ये कंधे में रख के लेके आए थे बोला इधर, और मंदिर के बहुत परिक्रमा भी की थी ये पत्थर को लगा के। पूरी स्टोरी पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन कम से कम 120 से 130 किलो वज़न है इस पत्थर का, क्योंकि उठाया था थोड़ा बहुत मैंने। अगली बार ट्राई करेंगे। ये दादा को बता, दादा इसकी स्टोरी पता है आपको? कुछ तो स्टोरी है उसकी, साधु जी साधु महाराज वाली। अरे क्या जो वहाँ से उनकी माता जी लेके आए थे इसको, तो पहले तो ये तो सतयुग की बात है, सतयुग में तो सोने का हुआ है। अच्छा सतयुग में सोने का पत्थर था। अच्छा भगवान की गेंद है। तो मैंने एक कहानी सुनी थी पहले कि ये कोई मतलब साधु वहाँ से नीचे से लेके आए थे ऊपर करके। नहीं तो ये शुद्ध इनकी माता जी लेके आए थे। अच्छा भगवान की। अच्छा मेरा बच्चा खेल लेकर करके लेके आए थे। अच्छा वहाँ से अच्छा साधु वाली कहानी झूठ है। अच्छा 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 दोस्तों अभी पता चल रहा है कि ये जो पत्थर है ये भगवान की गेंद है, और सतयुग में सोने की हुआ करती थी, अभी पत्थर की हो गई है। और अब बहुत ज़्यादा वजन है भाई इसका, जो सच्चे मन से आता है वो उठा लेता है। मैंने उठा लिया है थोड़ा बहुत इसको, आधा तो उठा ही लिया था। और चलते हैं इधर से अभी, और जल्दी आना होगा, मैंने जो मन्नत करके जाता है इधर वो दोबारा ज़रूर आता है, ये मानना है यहाँ के लोगों का। और मैं तो अभी तक 3 से 4 बार आ चुका हूँ इधर, और यह है डीडी हाट। और अभी निकलते हैं फटाफट से। जय हो बाबा।
तो दोस्तों पहाड़ों की एक खास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर होते हैं, चाहे वो भोलेनाथ के हो, चाहे वो माता के हो, माता सती को जब उनके 52 टुकड़े सुदर्शन चक्र से हुए थे, जब उनका आत्मदाह किया था, तब उन्हें शिव जी ने माता को वरदान दिया था कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके साथ एक भैरव जाएगा। वैसे तो हर माता के मंदिर में एक भैरव का मंदिर भी होता है और शिव जी के साथ भी एक भैरव का मंदिर भी होता है। तो यह है भैरवनाथ बाबा जी का मंदिर, आप देख सकते हैं काले कपड़ों से, आप समझ गए होंगे। और जय हो बाबा। और यह शिवलिंग है भैरवनाथ बाबा जी का। और यहाँ पे बलिदान की भी प्रथा है, भैरव बाबा को बलि चढ़ाई जाती है, तो बलि वाला हिस्सा ये जगह है। और ये है कालिका माता का मंदिर भी है यहाँ पे, जय माँ काली। और अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, 1 बज चुका है। और देखो क्या ही मस्त नज़ारा है इधर का, अभी पूजा पाठ। और हमने अपने और अपने परिवार वालों के नाम की पाठ भी करानी थी मंदिर में, तो करा दिया है पाठ वीड भी। और अभी यहाँ से डीडीहाट शहर दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा ब्लॉग में कैसा है डीडीहाट में भी। यार डीडीहाट पहले गया था, 1-2 बार ही गया हूँ, बाकी ये मंदिर में आ गया हूँ 3 बार, आज ये 4थी बार है। और तो चलते हैं इसी के साथ नीचे की तरफ को। सीढ़ियाँ यहाँ तक थी कुछ 500 कुछ सीढ़ियों तक लिखा है इतना नंबर, फिर उसके बाद नंबर भी नहीं लिखे हैं। लगभग 500 से 550 सीढ़ियाँ खड़ी चढ़ाई चढ़ के आपको इधर आना पड़ेगा। तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको।